हेलो एवरीवन गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जेई मेंस के 75% क्राइटेरिया की। देखो बच्चों के अंदर एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि जो हमारा 75% क्राइटेरिया है वो हमको पीसीएम का लेना है या फिर हमको ओवरऑल सब्जेक्ट का लेना है। तो इस केस में हम कौन सा परसेंटेज काउंट करें, हम पीसीएम का काउंट करें या फिर ओवरऑल काउंट करें। तो यार आज के इस वीडियो में तुमको प्रॉपर जानकारी मिलने वाली, तो इस वीडियो को तुम पूरा देखते हो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं तुमसे अगर बात करूं जेई मेंस के नोटिफिकेशन की, तो देखो जेई मेंस के नोटिफिकेशन में सिर्फ इतना दिया जाता है कि तुमको 12th में 75% लाना है। अगर देखो नोटिफिकेशन में ये दिया है कि भाई तुमको 75% लाना है, तो यार इसका मतलब यही है कि तुम्हारा जो परसेंटेज है वो तुमसे ओवरऑल मांगा गया है। अगर तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज 75% है, डेट मीन्स तुम उस एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हो। तो यार जो तुम स्पेशल क्राइटेरिया सोच रहे हो पीसीएम का केवल, तो यार पीसीएम का सिर्फ 75% हो, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो देखो जब जेई मेन का नोटिफिकेशन आए तुम एक बार चेक कर लेना कि यार जेई मेन के नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। तो यार देखो अभी तक जो जेई मेन के नोटिफिकेशन आए हुए थे पहले सालों में, तो यार उसमें सिर्फ क्या है ये मेंशन होता था कि भाई 75% होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग यार तुमको 75% ओवरऑल सब्जेक्ट में चाहिए, तुमको सिर्फ पीसीएम में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अगर इसके रिगार्डिंग तुम्हारा और कोई कन्फ्यूजन है तो यार नीचे तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।